अभी दूर खड़े हैं, मैं देख रहा हूं काफी सारे मोहब्बत वाले दोस्त हैं, वही इंतजार में है कि रैली चले फिर हम साथ चले। अभी इंशाल्लाह चांद ही मिनटों के बाद रैली बकायदा यहां से चल पड़ेगी। कुछ साथियों का इंतजार है, कुछ आ रहे हैं मजीद। इंशाल्लाह इस रैली का इख्तिताम शो पाकिस्तान के अंदर जाकर बकायदा होगा। ये आज की इस रैली के मकासद में से सबसे बड़ा मकसद इस वक्त फ्रांस के अंदर जो लोग मेरे और आपके रहमत अली आलमीन आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमोस पर हमला कर रहे हैं, हम यहाँ पे एहतजाजी तौर पर रोड पर निकले। हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान कौम तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेगी, पर हमें कसम है रब्बे काबा की, कसम है नबी पाक की होगी, कोई अपना मुसलमान भी नबी की मुसाफिर को बर्दाश्त नहीं करेगा। सही सालिमों उनके खाके बनाते हो, उनकी मिसरियत का दावा करते हो, किसी मिसल भी नहीं, कभी साल भी नहीं, किसी मिसल भी नहीं, मिसाल भी नहीं, कोई रलदा होने सोने नाल भी नहीं। तुम सर आगे बढ़ो तो सही, अगर हम वहां ना पहुंच सके तो देखना तुम्हारे पड़ों से वही करेगा जो तुम्हारे जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करेगा। इसलिए हमें नबी ने ये सबक दिया, मान सबका नबी जान फाको बोलू फरमा छो नबी पाक या किसी नबी के मुसाली करता है हुजूर का फरमान है कुछ भी ना देखना, फतवे की भी बनाई ना करना, बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको मार डालो। हम आज इस रैली में ये मुतालबा कर रहे हैं कि गुस्साख रसूल दुनिया के किस खिते में भी हो उसे फांसी दी जाए, उसे मारा जाए, उसके जिस्म के टुकड़े किए जाए। फिर कह दो गुस्साख रसूल की एक ही सदा, रसूल की एक ही सदा, रसूल की एक ही सदा। हम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए यहाँ बाहर निकले हैं, तो आप तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, अभी मजीद कपड़े शरीफ हो रहे हैं, लेकिन टाइम की मुनासिबत से हम यहाँ पे इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हम राहगीर उन लोगों को तंग नहीं करना चाह रहे। अगर चाहते हैं तो शोक में खड़े हो जाते, पर हमारे नबी ने मोहब्बत का दर्श दिया है, प्यार का दर्श दिया है। हम मजबूरन यहाँ पे आए, इतने तादाद बढ़ रही है, अभी यहीं से हमारा काफिला इंशाल्लाह रवा दवा होगा। आप तराना पढ़ते हुए नारे लगाते हुए आप आगे बढ़ते चले। अल्लाह हाफिज़।